ऋषि उद्दालक, अरुणी और पुत्र सेत केतु पौराणिक कथा। बात बहुत पुरानी है। एक ऋषि थे उद्दालक, अरुणी उनका एक पुत्र था, इसका नाम था सेत केतु। बचपन से ही सेत केतु खेल कूद में मस्त रहता, पढ़ना लिखना उसे अच्छा नहीं लगता। उसके इस स्वभाव को देख ऋषि सदा चिंतित रहते। धीरे धीरे सेत केतु की आयु बढ़ने लगी, परंतु खेल कूद से उसका मन न भरा। एक दिन ऋषि अरुणी ने पुत्र को समझाने की बात सोची, पर वे कोई उपदेश भी उस पर थोपना न चाहते थे। अंत में उन्होंने फैसला किया कि बालक के मन में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा की जाए, जिससे एक दिन वह स्वयं ही पढ़ने लिखने लगेगा। यह सोचकर सेत केतु की संगत बदलने का प्रयास किया गया। उसके साथी पढ़ते लिखते थे, वेदों का पाठ करते थे और समय पर खेलते कूदते भी थे। इनके साथ रहकर सेत केतु भी अब कभी कभी श्लोकों को गुनगुनाने लगा था, कभी उनके अर्थों को जानने का प्रयास भी करने लगा था। किसी विषय पर साथियों में बहस छिड़ जाती तो उसमें हिस्सा भी लेता, पर अधिकतर मात खा बैठता। झल्ला कर एक दिन वह संकल्प कर बैठा, मैं पढ़ूंगा, वेद पाठी बनूंगा और ज्ञान चर्चा में अपने साथियों में सबसे आगे रहूंगा, सबसे सम्मान पाऊंगा। उसकी यह लालसा धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन पढ़ाने के लिए पिता के सामने प्रार्थना की। ऋषि अरुणी तो पहले ही ऐसा चाहते थे। उन्होंने सेत केतु को तुरंत एक ऋषि के आश्रम में भेज दिया। मन में वे बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि अब उनका पुत्र वेदों का ज्ञाता बन सकेगा। ऋषि कुल में सेत केतु की पढ़ाई आरंभ हुई। स्पर्धा के कारण सेत केतु भी मन लगाकर पढ़ने लगा। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। सेत केतु ज्ञान विज्ञान में निपुण हो गया। चारों वेदों का वह अच्छा पंडित बन गया। एक दिन मन ही मन वह सोचने लगा, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता बन चुका हूँ, गुरुजी भी मेरे ज्ञान की बड़ाई करते हैं, सभी सहपाठी मेरा लोहा मानते हैं, तब क्यों न अब मैं सबको शास्त्रार्थ के लिए ललकार दूं, सबको हराकर महापंडित बनूंगा। इन विचारों में वह खोया ही था कि उसे बचपन की एक घटना याद आ गई। उस दिन एक साधारण सी चर्चा में उसे अपने साथियों से मात खानी पड़ी थी। कितनी कड़वाहट थी उस स्मृति में। उसने निश्चय किया कि अब वह उन सबको ज्ञान चर्चा में छठी का दूध याद करा देगा, सबका सम्मान पाएगा। इस प्रकार ज्ञान के साथ सेत केतु को घमंड ने भी आ दबोचा। गुरु आश्रम छोड़ने के लिए वह तैयार हो गया। अचानक एक दिन वह अपने घर भी आ पहुंचा। अपने ज्ञान के गरूर में वह साधारण व्यवहार भी भूल बैठा। ऋषि आरुणि ने उसके आचरण को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि सेत केतु की शिक्षा अभी अधूरी ही है। कारण विद्या तो विनयी बनाती है, सेत केतु तो प्रणाम करना भी भूल गया। वे बहुत क्षुब्ध हुए, परंतु थे शांत, बिल्कुल शांत। न माथे पर कोई चिंता, न वाणी में कोई आक्रोश। सहज भाव से वे उससे पूछने लगे, हे सेत केतु, तू 12 वर्ष बाद विद्या पढ़कर घर लौटा है, सब कुछ तूने जाना है, वेद और उपनिषद तूने
तुझे याद है, परंतु क्या तू मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है? जैसे ही पिता आरुणि ने प्रश्न किया, सेतकेतु का अभिमान आसमान को छूने लगा। मन ही मन वह सोचने लगा, मेरे ज्ञान के आगे पिताजी का छोटा सा प्रश्न भला कहाँ ठहरेगा। वह तपाक से बोला, पिताजी क्या मेरे ज्ञान में अब भी आपको संदेह है? मैंने 12 वर्ष लगातार शास्त्र पढ़े हैं, अब शास्त्रार्थ में भी मुझे कोई हरा न सकेगा। आप जो कुछ पूछना चाहते चाहें पूछ लें, मैं सब कुछ जानता हूँ। सेत केतु के स्वर में दर्प था, उसकी बुद्धि अभिमान में चूर थी। शायद इसीलिए वह ऋषि आरुणि की गरिमा को भी न समझ सका। आरुणि भली प्रकार जान गए थे कि सेत केतु ने जो कुछ पाया है उसके पीछे घमंड होने के कारण अधूरा ज्ञान है। यह अभिमान जब नष्ट होगा तभी इसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। ऐसा वे सोच ही रहे थे कि सेत केतु फिर बोला, पिताजी पूछिए ना, क्या पूछ रहे थे? ऋषि आरुणि पहले तो सेत केतु की ओर देखते रहे, फिर कुछ धीमे से स्वर में बोले, कुछ नहीं बेटा, बस मैं तो यही जानना चाहता था कि संसार में वह एक वस्तु क्या है जिसके जानने से सबको ज्ञान हो जाता है। सेत केतु ने पिता का प्रश्न सुना और सोच में पड़ गया, वह एक वस्तु क्या हो सकती है? उसकी बुद्धि ने बार बार जोर लगाया, परंतु उसकी समझ में कुछ न आया। धीरे धीरे बहुत कुछ जानने का उसका अभिमान भी काफूर होने लगा। अंत में जब उसे पिता के प्रश्न का कोई उत्तर न सूझा, तब वह विनित हुआ ऋषि आरुणि से ही उसका उत्तर जानने की प्रार्थना करने लगा। गिड़गिड़ाता अपने पिता के चरणों में पड़ गया, हाथ जोड़ कर वह उनसे कहने लगा, भगवान जिस एक वस्तु को जानने से सब ज्ञानी हो सकते हैं उसे मैं नहीं जानता। मेरा ज्ञान लगता है अभी अधूरा ही है, कृपा करके अब उसे आप ही मुझे बताइए। ऋषि आरुणि ने श्वेत केतु को दुलारते हुए कहा, वत्स यह वस्तु ही सत्य है। एक बार सत्य के स्वरूप को पहचान लेने से शेष जानने को संसार में कुछ भी नहीं रहता। सेत केतु के लिए बात कुछ कठिन थी। वह फिर बोला, पिताजी संसार तो रंग बिरंगा है, यहाँ तरह तरह की वस्तुएं हैं, तरह तरह के जीवन है, सबका परिचय भी अलग अलग है, परंतु आप कहते हैं कि इन सब का परिचय केवल सत्य को जानने मात्र से संभव है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया प्रभु। हाँ वत्स, मैं फिर भी यही कहता हूँ। ऋषि बोले, सत्य एक है, उसके रंग अनेक हैं। एक बार यह बात समझने से सब बात साफ हो जाती हैं। प्रिय दर्शन, सेत केतु के लिए बात वहीं की वहीं थी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कब फिर बोला, पूज्यवर क्षमा करें, आपके हाथ की अंगूठी और इस कन्या के गले का हार दोनों अलग अलग नहीं हैं क्या? पुत्र यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुमने जिसे दो कहा वह एक ही स्वर्ण के दो रूप हैं। वस्तु एक है, स्वर्ण और उसके कार्य दो हैं। हार और अंगूठी कारण जब सामने है तो कार्य भी सामने ही है। इस बार सेत केतु की विचार मुद्रा गंभीर हुई। उसे
समझाते हुए उदालक आरुणि फिर बोले, हे बालक, यह नाम रूप और क्रिया स्वरूप जगत में दिखाई देने वाला अलग अलग रूप एक ही सत्य का भिन्न भिन्न आभास है। सत्य तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। सत्य रूप ब्रह्म के संकल्प से तेज उत्पन्न हुआ, फिर जल उत्पन्न हुआ और उसके बाद अन्न उत्पन्न हुआ। जगत की सभी वस्तुएं तेज और जल और अन्न में हैं। जहाँ प्रकाश है वहाँ तेज तत्व है, जहाँ द्रव है वहाँ जल तत्व है, और जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न अथवा पृथ्वी तत्व है। परंतु पिताजी, प्रकाश रूप अग्नि में भी तो अनेक रंग हैं, सेत केतु ने प्रश्न किया। हाँ वत्स, अग्नि में लोलिमा तेज की है, सफेदी जल की है और श्यामता पृथ्वी की है। इसी प्रकार अन्न की तीन त्रियाएं हैं, विष्टा, मांस और मन। इसी प्रकार जल के स्थूल भाग से मूत्र, मध्यम भाग से रक्त और सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है, ऋषि आरुणि ने उसे समझाते हुए बताया। तब तो श्रद्धा मन अन्न से बनता है, प्राण जल से और वाणी तेज से। श्वेतकेतु ने ऋषि से फिर पूछा, श्वेतकेतु तुमने ठीक ही समझा है, सबका मूल सत्य ही है। ऋषि के बताने पर श्वेतकेतु और भी गंभीर हो गया। वह फिर बोला, तब तो देव प्राणी एक ही सत्य का स्वरूप है। आरुणि बोले, यही तो सत्य है और यह सत्य अणु की भांति सूक्ष्म है। जगत में आत्म रूप है, बाहरी भेद केवल दिखावटी है, मिथ्या है। सेत केतु की बुद्धि दर्पण की तरह निर्मल होती जा रही थी। धीरे धीरे विषय की गंभीरता उसकी समझ में आती जा रही थी। अपनी बात को साफ करते हुए वह फिर बोला, देश, काल और धर्म संप्रदाय के नाम पर संसार में जो भेद किया जाता है वह भी असत्य ही है ना पिताजी। तुम ठीक कहते हो सेत केतु, शहद में अनेक वृक्षों का रस होता है, परंतु वह रस अलग अलग होकर यह नहीं जानता कि मैं किस वृक्ष का रस हूँ। इसी प्रकार जीव की दशा है, वह संत का ही रूप है। संत के एक भाव प्राप्त करता हुआ भी अज्ञान की स्थिति में संत को नहीं जानता, इसीलिए आपस में भेद मानता है। अन्यथा जो सूक्ष्म है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही परमात्मा है, यानी संत है। यही संत संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। पिता के उत्तर को सुनकर सेत केतु अनायास ही कह उठा, तब तो हम सब एक हैं। इस पर ऋषि आरुणि का समर्थन था, हाँ हम सब एक हैं।